लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा समीकरण बदलने वाला है। जातीय गणित में सूबे की 48 लोकसभा सीटें उलझ गई हैं। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाले मनोज जारंगी ने 17 दिन बाद अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने गांव की महिलाओं के हाथों से पानी पीकर अनशन खत्म किया। सरकार ने मनोज जारंगे की आरक्षण की मांग भी मान ली थी। शिक्षा और रोजगार में महाराष्ट्र के मराठाओं को 10% आरक्षण मिलने के लिए बाकायदा स्पेशल सेशन बुलाया गया, बिल पारित किया गया, लेकिन मनोज जारंगे अपनी जिद पर अड़े हुए थे और उन्हें अपनी शर्तों पर आरक्षण चाहिए था। महाराष्ट्र की राजनीति में जाति का मुद्दा उछालने वाले जारंगे ने कहा कि लंबा अनशन करने की वजह से उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है। ऐसे में अब अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराएंगे और स्वास्थ्य ठीक होने के बाद फिर समाज के बीच सक्रिय होंगे। जाति आधारित राजनीति महाराष्ट्र में जो है एक नए राजनीति को जन्म दे रही थी। हालांकि इस दरमियान महाराष्ट्र में जमकर हिंसा भी देखने को मिली। फिलहाल मनोज जारंगे अस्पताल में इलाज के बाद जब दोबारा निकलेंगे तो उन्होंने ऐलान किया है कि नए सिरे से अपनी इस मांग को लेकर चैन हंगर स्ट्राइक की रूपरेखा तय करेंगे।